शेल प्रॉब्लम्स में सिंपल कुछ नहीं, एक ही शेल पे प्रॉब्लम आती है कि अगर एक शेल है, शेल अंदर से खाली है और इसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो फॉर्मूला हमने क्या किया, एक शेल के बाहर स्मॉल आर ई का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, हम सारे डिस्टेंसेस कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम सेंटर। वी का फॉर्मूला क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर। कोई डाउट इसमें? अगर हम सरफेस की बात करते हैं, सरफेस पे स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। ये भी क्लियर है यहां तक? अगर हम इसके इनसाइड की बात करते हैं, तो इनसाइड में ई क्या होता है शेल के, जीरो, और वी क्या होता है, कांस्टेंट, जहां मर्जी ले लो, और कितना, जितना सरफेस पे है। सरफेस पे वी क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, तो इनसाइड भी क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? ठीक है। अब पहला केस है, कंसेंट्रिक शेल्स है, थिन शेल है, ये कोई मोटा शेल नहीं है, कंसेंट्रिक, पतले पत्ते, थिन शेल्स है। मैंने इसके अंदर, इस शेल के ऊपर Q1 चार्ज ये मैंने दिया, जितने चार्जेस पेंसिल से बने हुए हैं ये सब इंडक्शन के चार्जेस हैं। तो Q1 ने इंडक्शन की -Q1, और बाहर क्या किया, Q1। ठीक हो गया। पहला क्वेश्चन आया कि इस आउटर शेल, या लिख लेना हेडिंग में कि फॉर आउटर शेल, आउटर शेल की अंदर की सरफेस पे सिग्मा क्या होगा, अंदर की सरफेस का चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया 4π b², और यहां पर सिग्मा क्या होगा, बाहर का चार्ज q1 डिवाइडेड बाय 4π b². क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो चार्ज बाय एरिया क्या होगा, सिग्मा। तो आउटर शेल में अंदर की तरफ सिग्मा और बाहर के सिग्मा में फर्क होगा। कोई डाउट इसमें? तो सिग्मा निकालने के लिए हमने क्या किया, इंडक्शन लगाई, इंडक्शन से चार्जेस निकाले और फिर हमने सिग्मा को कैलकुलेट कर दिया। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट कि सपोज करो फिर से आपको कंसेंट्रिक शेल्स के बनाए, फिर कंसेंट्रिक शेल्स के बनाए, सेम क्वेश्चन है। इस बार चार्ज फर्स्ट शेल को भी मैंने दिया Q1, बाहर के शेल को भी मैंने ही दिया Q2, Q1 Q2 मैंने दे दिया। अब इंडक्शन क्या कहती है कि Q1 ने यहां क्या प्रोड्यूस किया, -Q1, और आउटर में क्या प्रोड्यूस हुआ, +Q1। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो इंडक्शन हो गई, तो यहां -Q1 या Q1 + Q2। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है इसमें अंदर का रेडियस a है, बाहर के शेल का रेडियस b है, और आपको तीन पॉइंट गिवन है, 1, 2 और 3। फर्स्ट पॉइंट पे जो बिल्कुल अंदर है, यहां पर 2 पे और 3 पॉइंट पर पहले e निकाल लेंगे, फिर इन्हीं तीन पॉइंट पर v निकाल लेंगे। तो चलो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट पे अगर मुझे e निकालना है, तो रूल नंबर 1 कि पहला शेल, अंदर वाला शेल, यहां पर क्या e लगाएगा, अंदर वाला शेल कहता है क्योंकि 1 नंबर पॉइंट मेरे अंदर लाए करता है, और किसी भी शेल के इनसाइड e की वैल्यू क्या होती है, 0। हमने फॉर्मूला किया, शेल के अंदर e 0 होता है, तो फर्स्ट शेल का कंट्रीब्यूशन e में क्या रहेगा, इसका 0। अब सेकंड शेल से पूछा गया, भाई तू क्या e लगाएगा, सेकंड शेल क्या बोलता है, क्योंकि ये पॉइंट मेरे भी अंदर लाए करता है। अब फर्स्ट शेल को भूल जाओ, सिर्फ इसको और इसको देखो, तो सेकंड शेल कहता है ये मेरे अंदर लाए करता है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन भी क्या रहेगा, 0। तो नेट आंसर क्या आएगा, 0। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? e निकालना आ गया फर्स्ट पॉइंट पर। अब मैंने पॉइंट चेंज कर दिया, पॉइंट क्या ले लिया, 2। 2 की दूरी सेंटर से कितनी है, x। फिर से स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट पर फर्स्ट शेल से पूछा कि तू e का क्या कंट्रीब्यूशन करेगा, तो फर्स्ट शेल कहता है क्योंकि अब 2 नंबर पॉइंट मेरी सरफेस से बाहर है, तो मैं कंट्रीब्यूट तो करूंगा। कितनी बाहर है, x बाहर है, क्योंकि डिस्टेंस कितना है 2 पॉइंट का सेंटर से, x। तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 / x² तो यहां पर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 / x². क्लियर है यहां तक?
अब सेकंड शेल से पूछा कि तू 2 पॉइंट पर क्या कंट्रीब्यूट करेगा, तो सेकंड शेल क्या कहता है, क्योंकि 2 पॉइंट मेरे अभी भी अंदर ही है तो मैं नहीं कंट्रीब्यूट करूंगा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 0। तो फर्स्ट ने कंट्रीब्यूट किया, सेकंड ने नहीं किया। फर्स्ट ने इसलिए किया क्योंकि फर्स्ट के लिए पॉइंट शेल के बाहर है, सेकंड ने इसलिए नहीं किया क्योंकि सेकंड पॉइंट इनसाइड है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? डन। अब एक काम करते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट की दूरी सेंटर से कितनी है, y, ठीक है y है। तो अब इस केस में फर्स्ट शेल से पूछते हैं तो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, फर्स्ट शेल कहता है क्योंकि मेरे सेंटर से इसकी दूरी y है तो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा 1/4 pi epsilon naught q1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। ठीक हो गया यहां तक, q1 बाय y स्क्वायर। सेकेंड शेल से पूछा कि तेरा कंट्रीब्यूशन होगा, अब सेकेंड शेल कहता है क्योंकि ये पॉइंट मेरे से बाहर है हाँ मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, कैसे करूंगा, 1/4 pi epsilon naught minus q1 divided by y square, और इन दो चार्जेस की वजह से q1 plus q2 divided by y square। तो अंदर का चार्ज भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और साथ के साथ बाहर का चार्ज भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई डाउट इसमें? तो यहां पर मैंने ई का ये पूरा रिजल्ट बनाया। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं दूसरे बैच में कि जब हम ई की कैलकुलेशन करते हैं, आपने पिछले एक महीने में सिखाया कि नेगेटिव साइन पुट नहीं करते, यहां पे आप खुद नेगेटिव पुट कर रहे हो जबकि हमने मैग्नीट्यूड लिया, क्योंकि मैं यहां अपना क्वेश्चन वेक्टर से नहीं कर रहा। अगर मैं वेक्टर से नहीं कर रहा फिर माइनस साइन यूज करूंगा, अगर वेक्टर से करना है तो ऐसे करो फिर कि सपोज करो यहां पे ई निकालना है तो रखो +1, ये Q1 पॉजिटिव इसे क्या करेगा, रिपेल, ये नेगेटिव चार्ज इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, और बाहर का पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा, रिपेल। तो 2 ई पॉजिटिव होंगे और एक ई नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बात तो एक ही है, क्यों वेक्टर के साथ चक्कर पाना। तो अपन ऐसे करेंगे प्लस माइनस यहीं पे पुट कर लेंगे, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ई का फॉर्मूला यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब इसके अंदर ये ई का फॉर्मूला आ गया। ई के फॉर्मूले में अगर आप इसे ओपन करें q1 by y square, q2 by y square, तो q1 q1 कैंसल हो रहा है, ठीक, आपका आंसर इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये सॉरी इसके इक्वल आ जाएगा जो बचा, ठीक। मैं क्यों बोल रहा हूं q1 q1 कैंसल हो रहा है, मालूम है क्यों, क्योंकि 3 पॉइंट पर जो -q1 e लगाएगा, -q1 क्या लगाएगा, 1/4 pi epsilon naught minus q1 by y square, उतना ही अफेक्ट q1 पॉजिटिव भी लगा रहा है, 1/4 pi epsilon naught q1 by x square, आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल। तो जो इंडक्शन के चार्जेस हैं उनका जो e है वो आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल, क्योंकि जो e ये लगा रहा है वही ऑपोजिट e ये लगा रहा है। तो इंडक्शन इस क्वेश्चन में अगर ना भी की होती तो भी e के फॉर्मूले में कोई फर्क पड़ना ही नहीं था, क्योंकि कर ली तो कोई बात नहीं अफेक्ट कैंसिल हो गया, नहीं की तो ये अफेक्ट दिखता ही ना, तो आंसर में कोई फर्क ना आता। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब सेम क्वेश्चन अगर हम v में करें, v का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। v का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर सपोज करो 1 पॉइंट पे मुझे v निकालना है, फर्स्ट शेल क्या कंट्रीब्यूट करेगा, फर्स्ट शेल ये कहेगा क्योंकि ये पॉइंट मेरे शेल के अंदर है, शेल के अंदर और शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर v क्या होता है, कांस्टेंट, e जीरो होता है, v कांस्टेंट है, और कितना होता है, जितना सरफेस के ऊपर है। अब इसकी सरफेस के ऊपर a सरफेस के ऊपर v क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught q1 divided by a, तो पहला कंट्रीब्यूशन क्लियर है फर्स्ट चार्ज का, क्योंकि v कांस्टेंट होता है, बस सरफेस का v निकाल दो वही अंदर का आ जाएगा, और सरफेस का है q1 divided by a, तो बाकी का अंदर का पॉइंट का भी यही है। अब सेकंड शेल से बात करते हैं, सेकंड शेल से पूछा कि तू क्या लगाएगा v में 1 पॉइंट पे, वो कहता है क्योंकि 1 पॉइंट मेरे अंदर है, तो एक काम करो मेरी सरफेस का पोटेंशियल निकाल दो, जो मेरी सरफेस का पोटेंशियल मेरे अंदर भी सेम पोटेंशियल। अब सरफेस का पोटेंशियल क्या निकलेगा, 1/4 pi epsilon naught minus q1 by b, क्योंकि टोटल रेडियस क्या है इसका, बी, सरफेस का बी, और 1/4 pi epsilon naught q1 plus q2 divided by again b। तो देखो माइनस q1 ने कितना पोटेंशियल लगाया, 1/4 pi epsilon naught minus q1 by b, और इन दोनों ने कितना लगाया, ये लगा दिया। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब आप यहां निकाल रहे हैं फर्स्ट शेल में
तो फर्स्ट शेल का रेडियस जब यहां निकाल रहे हैं तो सेकंड शेल का रेडियस, क्या ये पॉइंट क्लियर है? मीन यहां भी निकाल रहे हैं एक ही बात है, सरफेस और अंदर का पोटेंशियल सेम है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसे ओपन किया, Q1 और माइनस Q1 का पोटेंशियल फिर कैंसिल। ये पता है कौन से Q1 माइनस Q1 है? इंडक्शन वाले, क्योंकि जितना पोटेंशियल माइनस Q1 कंट्रीब्यूट कर रहा है नेगेटिव में उतना ही प्लस Q1 कर रहा है पॉजिटिव में, अफेक्ट कैंसिल। तो इंडक्शन ना भी की होती तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आता, इंडक्शन करो इसमें या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसी तरीके से अगर थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पे वी निकालना है, स्टार्ट करते हैं इनर शेल से। इनर शेल पे चार्ज क्या है? क्यू वन। क्यू वन चार्ज के वाई डिस्टेंस दूर आपको क्या निकालना है? वी। तो क्योंकि ये शेल कहता है कि ये पॉइंट तो मेरे से बाहर निकल गया तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन डिवाइडेड बाई वाई। आप सेकेंड शेल से पूछो तू का कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो सेकेंड शेल कहता है क्योंकि ये पॉइंट मेरे से भी बाहर निकल गया तो मैं तो डिस्टेंस वाई लूंगा, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू वन बाई वाई एक, एक और क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइडेड बाई वाई दो पोटेंशियल। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एक पोटेंशियल ये लगाएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई, एक ये लगाएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई, एक ये लगाएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई। फिर से वही चीज ओपन किया, ओपन करके माइनस क्यू वन और क्यू वन का इफेक्ट कैंसिल। इंडक्शन ना भी की होती तो भी ई और वी के अंदर रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चंस में इंडक्शन करने की जरूरत नहीं है। पर आप अगर ये पूछें कि सर इंडक्शन होती नहीं क्या? नहीं, इंडक्शन तो होती है पर आपकी कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स कर रही है, अल्टीमेटली वो चीज कैंसिल हो रही है, तो शॉर्टकट मार सकते हैं आप, इंडक्शन रहने दें तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्यू चार्ज है बाहर कुछ नहीं है और सिग्मा निकालने को आता है, फिर कोई कहे सर आपने इंडक्शन मना की थी, मैंने तो लगाई नहीं, तो सिग्मा यहां का तो जीरो ही आ गया, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी। जब भी क्वेश्चन सिग्मा पे आएगा 101% इंडक्शन लेनी ही है। जब क्वेश्चन ई और वी पे आएगा फिर चाहे इंडक्शन लो या ना लो कोई फर्क नहीं है, पर सिग्मा के अंदर तो लेनी ही है। क्या ये रिजल्ट क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. एक काम करो, इसको बिना देखे खुद सॉल्व करो। तीन चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, ये मैंने दिए, R, 2R, 3R रेडियस है। आपको X is equal to 5 by 2R, 5 by 2 का मतलब 2.5R पे E और V दोनों निकालने हैं। अब 2.5 कहां लाई करेगा? 2.5 2R से आगे और 3R से कम, यहां कहीं लाई करेगा। तो यहां ई निकालो और यहां वी खुद निकालना है एक बार। तीनों शेल्स का ई लिखो, तीनों शेल्स का वी लिखो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें अगर आपको ई निकालना है एक्स डिस्टेंस पे, एक एक करके शुरू करते हैं। पहले अंदर वाला शेल, इनसाइड शेल
का कंट्रीब्यूशन पूछो यहां पर क्या होगा, इनसाइड शेल बोलेगा क्योंकि ये पॉइंट मेरे से तो बाहर निकल गया, तो मैं तो अब सेंटर से डिस्टेंस क्या लूंगा, 5r/2, तो मेरा कंट्रीब्यूशन है 1/4πε0 q1 डिवाइडेड बाय 5r/2 का होल स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? अब आप सेम क्वेश्चन सेकंड शेल से पूछो, सेकंड शेल कहता है क्योंकि ये पॉइंट मेरे भी अंदर से निकल गया तो मैं भी डिस्टेंस अब x ही लूंगा, तो 1/4πε0 q2 डिवाइडेड बाय 5r/2 का होल स्क्वायर। अब थर्ड शेल से पूछो, थर्ड शेल क्या कहता है, क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर है तो मैं तो कंट्रीब्यूट करता नहीं, तो मेरे हिसाब से e क्या आएगा, 0 आंसर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब सेम पॉइंट पर अगर v निकालना है, फिर फर्स्ट नंबर शेल, पहला शेल कहता है क्योंकि ये पॉइंट मेरे से बाहर निकल गया तो 1/4πε0 q1 डिवाइडेड बाय 5r/2, ये क्लियर है। सेकंड शेल कहता है क्योंकि पॉइंट मेरे से बाहर निकल गया 1/4πε0 q2 डिवाइडेड बाय 5r/2। थर्ड शेल कहता है क्योंकि ये पॉइंट अभी भी मेरे अंदर है, थर्ड शेल अभी भी अंदर है तो जितना मेरी सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही अंदर लगा देना। अब मैंने पूछा था सरफेस पे कितना है, कहता मेरा रेडियस पता करो कितना है, 3r, तो 1/4πε0 q3 डिवाइडेड बाय 3r, ये रहा पॉइंट। समझ में आया कि यहां तक कैसे e और v निकलते हैं? ठीक है यहां तक। अब सपोज करो सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, ये रहा q1, ये रहा q2, ये रहा q3। मैंने आपको एक चीज सिखाई, इसमें इंडक्शन का कोई फायदा है ही नहीं, इंडक्शन करोगे तो सोचो इतने चार्जेस का e और v में फंस के रह जाओगे, इतनी बड़े बड़े कैलकुलेशन कैसे करोगे, जरूरत ही नहीं इंडक्शन की। पर आप पूछो इंडक्शन होती नहीं है, नहीं इंडक्शन तो होती है, हम नहीं लेते किसमें, जब e और v कैलकुलेट करना है। पर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने कहा क्वेश्चन तो सेम है, मुझे e और v निकालना ही नहीं है, मेरे को जो सबसे आखिरी शेल है ना उसका सिग्मा निकालना है। अब अगर मैं कहता हूं इंडक्शन लेनी नहीं तो आप यहां पर चार्ज लोगे ही नहीं, तो अंदर का सिग्मा आपको है ही नहीं, जबकि ऐसा है ही नहीं, इंडक्शन तो होती है, हम ना लें बात अलग है, लेकिन इंडक्शन तो लेनी पड़ती है। जब भी क्वेश्चन सिग्मा का आएगा 100% इंडक्शन लेनी है, लेनी ही है सिग्मा में, तो इंडक्शन लें Q1 माइनस Q1 प्लस Q1, तो टोटल चार्ज कितना हुआ Q2 प्लस Q1, अगर ये Q2 प्लस Q1 तो इसका ऑपोजिट माइनस Q2 प्लस Q1, इसका ऑपोजिट प्लस Q2 प्लस Q1, तो ये चार्जेस हो गए। तो अब सिग्मा अगर बिल्कुल इसका आउटर का निकालना है तो आउटर का चार्ज बाय आउटर का एरिया 4π3r का स्क्वायर, और अगर इनसाइड वाला निकालना है तो इनसाइड का चार्ज अपॉन इनसाइड का एरिया। तो आपने नोट किया सेम क्वेश्चन है, लेकिन जब तो e और v निकाल रहे हैं इंडक्शन का फायदा ही नहीं हो रहा, कैंसिलेशन हो रही है, लेकिन जब हम सिग्मा निकाल रहे हैं फिर इंडक्शन लेनी पड़ रही है। डिफरेंस समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें क्लियर है? ठीक, कि कैसे करना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है, सपोज आपके पास दो शेल्स हैं, एक को चार्ज मैंने दे दिया Q1 और मैंने आउटर शेल को क्या कर दिया अर्थ, जहां पर भी ये निशान दिख जाए अर्थ का, आपको सोचने की जरूरत नहीं है उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। अर्थ खुद 0 पोटेंशियल पे होती है, जिसको भी टच कर ले उसका पोटेंशियल 0 कर देती है। समझ में आया यहां तक? तो ये याद रखना है, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। क्वेश्चन है कि अगर मैंने यहां पर Q1 चार्ज ले लिया तो अर्थ ने इस शेल को कितना चार्ज सप्लाई किया? आपको के सप्लाई क्यों करेगा भी, जिसको अर्थ ने टच कर दिया हमने इंडक्शन की तो थी वो 0 चार्ज पे हो जाएगा ना। अगर मैं कहूंगा चार्ज 0 कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्यों? क्योंकि अगर चार्ज 0 कर दिया, चलो आप अगर ये सोचते हैं पोटेंशियल को छोड़ो, आउटर चार्ज यहां पर 0 होगा, मैंने मान लिया आपकी बात, क्योंकि अर्थ ने सारे चार्ज को गायब कर दिया, तो बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 q1 डिवाइडेड बाय 2r, अंदर का शेल में पोटेंशियल लगाएगा, आउटर पे चार्ज ही नहीं है पोटेंशियल नहीं लगाएगा, तो यहां पे 0 तो नहीं आया ना पोटेंशियल, पोटेंशियल 0 नहीं आया, जबकि रूल क्या है, अर्थ जिसको टच करती है उसका चार्ज 0 नहीं करती, उसका पोटेंशियल 0 करती है, ये डिफरेंस है। कई लोग सोचते हैं चार्ज 0 करती है ना, पोटेंशियल 0 करती है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ,
कोई कहता है फिर सर जी इंडक्शन लगा दो, मैंने कहा चल ठीक डन इंडक्शन लगा देते हैं। Q1, अब समझ नहीं आ रहा क्या बोलें, तो चलो करते हैं कुछ ना कुछ, माइनस Q1 और प्लस Q1 लगा दें इंडक्शन। तो किसी ने कहा कि अर्थ ने ना इस Q1 चार्ज को खत्म कर दिया, Q1 चार्ज को खत्म कर दिया, ठीक। पर मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि चलो Q1 है, माइनस Q1 है और यहां पर प्लस Q1 है, अर्थ ने कुछ नहीं किया, इंडक्शन कर दिया हमने। जब हमने इंडक्शन कर दी और मैं पूछूं यहां पर पोटेंशियल कितना है, तो इस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 Q1/2R, ये रहा। इस माइनस Q1 का क्या होगा, माइनस Q1/2R इसकी सरफेस पे है। इस प्लस Q1 का क्या होगा, सेम। तो ये अफेक्ट हो गया कैंसिल, फिर आंसर जीरो नहीं आया, ये भी गड़बड़ है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला काम कि ये Q1 है, ये माइनस Q1 है और ये प्लस Q1 है, अगर आप ऐसा लेते हैं तो अर्थ ये कहती है कि मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगी, शेल्स देखें क्या करना है। अर्थ कहती है कि देखो तुम इंडक्शन लगा रहे हो, अपने रूल लगाओ, मैं नहीं मानती इसे, क्योंकि मैंने अपना पोटेंशियल जीरो करना है और ये माइनस Q1 और Q1 से जीरो तो हो नहीं रहा, तो ठीक है मैं अपने हिसाब से चार्ज रखूंगी यहां पर। सपोज मैंने चार्ज कितना रख दिया Q', मेरी मर्जी, क्योंकि अर्थ को तो कौन चैलेंज करेगा, इनफाइनाइट चार्जेस है, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। उसने कहा देखो जी मैं इंडक्शन, तुम नीचे जो मर्जी लगाओ मेरे को टेंशन नहीं, मेरे जिसको मैंने टच किया मैं अपना चार्ज अपने हिसाब से दूंगी Q', ताकि ऐसा चार्ज दूंगी ताकि ये तीनों चार्जेस मिलके यहां पोटेंशियल क्या लगाएं, जीरो। तो मैंने कहा ठीक है चेक करते हैं। तो यहां पर वी की वैल्यू कैलकुलेट करना जरा, क्या आएगी, 1/4πε0 Q1/2R, फिर माइनस Q1/2R कितना, 2R, फिर Q'/2R कितना, 2R। लेकिन मुझे पता है कि टोटल आंसर क्या आना चाहिए, जीरो, तो इफेक्ट कैंसिल ही हो गया, तो Q' की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो। तो यानी कि अर्थ ने Q' को क्या किया होगा, जीरो। आपके सामने ही है, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया मैंने कि आपने मान लिया Q1 का माइनस Q1 हो गया, अपने हिसाब से आपने यहां प्लस Q1 किया, अर्थ नहीं मानती आपकी इंडक्शन को, अर्थ कहती है देखो मैंने टच किया मेरा हिसाब, वो अलग बात है कि आंसर फाइनली जीरो आ जाए, वो उसमें हम ये याद नहीं करेंगे कि अर्थ ने जीरो कर दिया, किसी और क्वेश्चन में जीरो नहीं भी करेगी, किसी और क्वेश्चन में आंसर भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपने सोच लिया कि अर्थ ने यहाँ Q' कर दिया, अर्थ ने किया मैंने तो किया नहीं, तो अर्थ ने कितना चार्ज सप्लाई किया, तो अर्थ ने यहाँ पर कुछ सप्लाई नहीं किया, रादर ये Q' था, प्लस Q', ये प्लस Q' था, तो अर्थ ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ही सप्लाई किए होंगे, कितना, माइनस Q', ताकि इसको क्या कर दे, चार्ज को जीरो, तभी जीरो होगा, तो जीरो, ये तो इंडक्शन लग जाती। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि अर्थ ने माइनस Q1 चार्ज को सप्लाई किया। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये माइनस Q1 है और ये प्लस Q1 था, और अगर आप यहां के पोटेंशियल को जीरो करना चाहते हो तो ये और ये अपने पोटेंशियल को जीरो काट देंगे, तो अर्थ क्या करेगी, माइनस Q1 चार्ज इसको देगी ताकि नेट अफेक्ट क्या जाए, जीरो। तो अब आप ये दो चार्जेस के साथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो नेट पोटेंशियल क्या आ रहा है, जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो बहुत सिंपल काम करें, Q1 माइनस Q1 और Q1, ये तो कर सकते हैं अर्थिंग की प्रॉब्लम में। फिर ये डिसाइड करें कि अर्थ यहां पर इंडक्शन चलने नहीं देगी, कभी नहीं चलने देती। अर्थ क्या करेगी, यहां पर Q1' कर देगी, सिंपल, और मुझे Q1' निकालना है। और फाइनली जिस पॉइंट को अर्थ ने टच किया वहां पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। तो आप तीनों चार्जेस का पोटेंशियल निकाल लें, 1/4πε0 Q1/2R माइनस Q1/2R एंड Q'/2R, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। तो Q1' प्रूव कर दिया मैंने कि क्या आना चाहिए, जीरो। पर हमारा चार्ज था कितना, हमारे हिसाब से चार्ज होना चाहिए था Q1' का कितना, प्लस Q1, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए था। अर्थ ने क्या किया, इस प्लस Q1 को उठा के क्या कर दिया,
जीरो, क्योंकि Q1 डैश मैंने क्या प्रूव किया, क्या आ रहा है, जीरो। तो अर्थ ने इस पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी को कैसे खत्म किया, बाय सप्लाइंग सम इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, और कितना, माइनस Q1, क्योंकि माइनस Q1 यहां पर आएगा तभी तो ऊपर का चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, और नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? चलो इस पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए फिर से एक बार, सपोज इस बार तीन शेल्स हैं और ये री अर्थिंग, सेंटर वाले पे अर्थ कर दिया। अब सबसे पहले मैंने क्या चार्ज दिया, इनर शेल को मैंने चार्ज दिया क्यू, सबसे आखिरी शेल को मैंने चार्ज दिया 2Q, ये मैंने दिया, राइट। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर अर्थिंग नहीं है, मान लो ये स्विच मैंने ऑन नहीं किया, ठीक, स्विच ऑन नहीं किया, तो उस केस में इंडक्शन बिल्कुल वैसी लगेगी जैसे हम लगा रहे हैं। कैसे, अगर ये क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, सही, बिल्कुल ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ई या वी का, फिर तो इंडक्शन की जरूरत है ही नहीं, ये भी करने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं कहूं इंडक्शन लगा के दिखाओ तो ऐसी लगेगी, मानते हो इस चीज को। अब क्वेश्चन ये है, किसी ने ये स्विच को ऑन कर दिया, ये लो, अर्थ कहती है ठीक, मैंने सेकेंड नंबर शेल को टच किया तो मैं इसका पोटेंशियल जीरो करके ही छोड़ूंगी। अर्थ के हाथ में एक ही चार्ज है जिसको वो काबू कर सकती है, वो कौन सा, क्यू, ऊपर वाला क्यू, ये वाला चार्ज, क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्टली अर्थ है। तो अर्थ कहती है ठीक, मेरे को मत समझाओ कि इंडक्शन ऐसे लगती है, अर्थ कहती है मैं अपना देखूंगी, मेरे को पोटेंशियल जीरो करना है, मैं सबसे पहले इस चार्ज को अफेक्ट कर दूंगी, मेरे को नहीं पता, मेरे को अपना देखना है। तो मेरे, क्योंकि अगर आप ऐसे चार्जेस लेते तो मेरा तो पोटेंशियल जीरो आएगा ही नहीं कभी भी। अगर आपने अर्थ ना की हो, आप यहां पे कैलकुलेट करें अपने इंडक्शन से, आपका पोटेंशियल जीरो नहीं आएगा। अर्थ अगर कर दी तो पोटेंशियल क्या आना चाहिए, जीरो, माइनस क्यू रख के और प्लस क्यू रख के पोटेंशियल जीरो नहीं आएगा। तो अर्थ के हाथ में चेंज करना क्या है, सिर्फ ये चार्ज, अर्थ ने उठा के इसको चेंज कर दिया क्यू डैश। जैसे इसको क्यू डैश किया, क्यू डैश की ऐसी वैल्यू लेके आएगी अर्थ कि यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सभी चार्जेस का जीरो। तो जैसे क्यू डैश किया, यहां पर भी क्या हो गया, क्यू डैश, यहां पर भी क्या हो गया, क्यू डैश। तो इंडक्शन क्यू के साथ नहीं चली, इंडक्शन क्यू डैश किसकी वजह से, अर्थ की वजह। अर्थ कहती है मैं तो एडजस्ट करूंगी नहीं, मैं तो उस चार्ज को खराब कर दूंगी या मैं चेंज कर दूंगी ताकि नेट पोटेंशियल क्या है, जीरो। क्या स्टेप क्लियर है? तो इसीलिए इंडक्शन मैंने क्यू माइनस क्यू करना तो मैंने चाहा था क्यू, पर अर्थ ने क्या कर दिया, क्यू डैश, और फिर माइनस क्यू डैश और क्यू डैश। आपको आंसर क्वेश्चन में निकालना है, व्हाट इज क्यू डैश, अर्थ ने क्या किया ये बताओ, क्यू डैश क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आपने सिंपली क्या करना है, जिस पॉइंट को अर्थ ने टच किया उसके पोटेंशियल को क्या कर देना है, जीरो। तो करें जीरो, कौन लगाएगा पोटेंशियल, सबसे पहले क्यू चार्ज, क्यू चार्ज की दूरी यहां से कितनी है, 2R, तो क्यू चार्ज क्या पोटेंशियल लगाएगा, 1/4πε0Q/2R। फिर लगाएगा क्यू डैश, क्यू डैश की दूरी भी सेंटर से 2R है, तो क्यू डैश बाय 2R। फिर कौन लगाएगा, क्यू डैश, तो क्यू डैश बाय 2R। फिर लगाएगा ये, अब ये कहता है कि ये पॉइंट मेरे अंदर है, तो जितना मेरी सरफेस का पोटेंशियल है उतना ही अंदर पोटेंशियल है, सरफेस पे कितना है, माइनस क्यू डैश बाय 3R, और इसकी वजह से कितना है, 2Q प्लस क्यू डैश बाय 3R, उठा के इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो। सॉल्व करो, क्यू डैश आ गया, डन, खत्म। तो अर्थ की यही समस्या है, जिसको अर्थ ने टच किया वहां चार्ज क्यू नहीं लेना, वहां अपना क्यू डैश ले लेना है, फिर उसके बाद नेट पोटेंशियल को उठा के जीरो कर देना, खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है। प्रूफ कटा मार दो, प्रूफ कोई जरूरत नहीं है प्रूफ की, गॉस थ्योरम, हम जैसे वेले लोग हैं जो बैठ के प्रूफ करते हैं, देखते हैं जरा कैसे बुक्स करती हैं, जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना गॉस थ्योरम से प्रूफ, आपको हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। अब एक क्वेश्चन है कि सपोज करो, ये क्वेश्चन पहले करेंगे, हाँ ये वाला देखो, आपके पास सपोज करो ये दो शेल्स हैं, कोई अर्थिंग नहीं, कोई कुछ नहीं किया,
और इसको मैंने चार्ज दिया क्यू वन, इसको मैंने चार्ज दिया क्यू टू। मेरा क्वेश्चन है कि सपोज कोई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट ले लो इस ए सरफेस के ऊपर और यहां पर पोटेंशियल है VA, VA, तो VA की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, VA की वैल्यू निकाल लो। क्या मैं इंडक्शन लूं कि रहने दूं? रहने दो, क्योंकि इंडक्शन लोगे नहीं लोगे, V में कोई चेंज तो आता नहीं, रहने देते हैं। तो A पॉइंट पर पोटेंशियल कौन लगा रहा है? Q1, कितना? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय A, स्क्वायर नहीं A। ठीक है, पोटेंशियल आ गया। सेकेंड वाला शेल भी यहां पे पोटेंशियल लगाएगा, पर क्योंकि सेकेंड शेल कहता है कि ये पॉइंट मेरे अंदर है तो मेरी सरफेस का पोटेंशियल लगा लो। सरफेस का क्या होगा? Q2 डिवाइडेड बाय P। कोई डाउट इसमें? VA तक, VA क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक। अच्छा, B पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लो। यहां पे B पॉइंट पे Q1 का पोटेंशियल क्या होगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय B, और Q2 का तो सरफेस के ऊपर ही पॉइंट है तो Q2 डिवाइडेड बाय B। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो आप पोटेंशियल की वैल्यू आपने कहां निकाली? A और B पॉइंट पे निकाल ली। इन वैल्यूज को देखते हुए बताओ कि किसका पोटेंशियल बड़ा, A का कि B का? A का। वो क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी बड़ा है और इसका कम से कम एक तो छोटा है, तो VA बड़ा है और VB छोटा। इनर शेल पे हाई पोटेंशियल, फिर लो, फिर लो, फिर लो, ऐसे होता है। तो एक काम करो, अगर मैं कहूं कि हायर में से लोअर पोटेंशियल को माइनस कर दो और पोटेंशियल डिफरेंस निकालो दोनों शेल्स का, तो डिफरेंस में Q2 वाली टर्म आपस में क्या हो जाएगी? कैंसल। ठीक, अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, शॉर्टकट सुनो। दो शेल्स को जितना मर्जी चार्ज दिया, उनका जब पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सिर्फ इनर चार्ज पे ही डिपेंड करता है, आउटर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। कोई डाउट इसमें? आउटर तो उड़ ही गया ना। अब क्वेश्चन आपको आएंगे कि मैंने इसको अर्थ कर दिया जी, ये अच्छे वाले ऐसे थे, मैंने इसको अर्थ कर दिया, अब बोलो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आएगा? तुम चाहे अर्थ करो, तुम चाहे इसको 100 कूलम का चार्ज दो, 500 दो, कुछ मत दो, मुझे चाहिए ही नहीं। आउटर शेल का चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस में मैटर करता ही नहीं, आंसर विल रिमेन सेम। कोई अर्थ करे, कोई इसको कहेगा मैं 100 कूलम का एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया, जो मर्जी करता रहे आउटर शेल के साथ, आउटर शेल का चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस में कंट्रीब्यूशन करता ही नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?